हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 50 प्लस बेसिक सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट, या फिर दोस्तों 50 से भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं जो किसी भी सिविल इंजीनियर को जरूर पता होना चाहिए, या फिर वो फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो। और दोस्तों अगर आप रिसेंटली आपने कॉलेज पास आउट किया है और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो 50 पॉइंट्स है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो जरूर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल वन बाय वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों अगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, जिससे दोस्तों मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज व्हाट इज दी हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, मतलब सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की हाइट अगर मीटर में देखें तो 3.15 और फीट में देखें तो करीबन दोस्तों 10 फीट से 10.5 फीट के करीब होता है। तो 3.15 या 10 फीट आप दोनों में से स्टैंडर्ड पकड़ सकते हो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वन बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम होता है 0.035 क्यूबिक मीटर या फिर 1.23 क्यूबिक फीट के करीब होता है, ठीक है। और व्हाट इज द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, ये आपको पता ही होगा कि एक बैग का जो सीमेंट है वो 50 केजी की आती है और उसका वॉल्यूम 0.035 होता है या फिर 1.23 क्यूबिक फीट होता है। उसके बाद है व्हाट इज द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो सीमेंट का होता है वो 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम मतलब 10 घंटे से पहले वो फाइनल सेटिंग टाइम जो है होता है वो 10 आवर्स के करीब होता है, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी मतलब ओपीसी जो आती है हमारी रेट ओपीसी सीमेंट जो आती है उसके लिए 30 मिनट और ये 10 घंटे के करीब होता है। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बार फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम, मतलब हमारा जो रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, ठीक है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार पता होंगे आपको 4 लगेंगे, मिनिमम 4 बार्स होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है। मिनिमम नंबर ऑफ बार ऑफ सर्कुलर कॉलम, अगर हमारा कॉलम सर्कुलर है तो उसमें 4 बार्स लगाने नहीं होंगे, उसमें हमारे बार्स लगेंगे टोटल 6, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार दैट इज 6 इन सर्कुलर कॉलम, ठीक है, ये सर्कुलर कॉलम और ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है। तो सर्कुलर कॉलम में 6 और रेक्टेंगुलर में 4 बार सोचे। व्हाट इज साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब, कॉन्क्रीट का जो क्यूब होता है हमारा, ठीक है, जो हम क्यूब टेस्टिंग करते हैं तो उसकी जो साइज है वो 15 बाय 15 और ये 15 के करीब होती है, राइट। तो ये हमारा कॉन्क्रीट क्यूब की साइज जो है स्टैंडर्ड वो 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर या फिर 150 mm by 150 mm का होता है। उसके बाद हाउ मच लेयर नीड्स टू बी फिल फॉर कॉन्क्रीट इन कॉन्क्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग, मतलब कॉन्क्रीट क्यूब को जब हम भरते हैं तो कितने लेयर में भरना चाहिए, तो हमें मिनिमम 3 लेयर में कॉन्क्रीट क्यूब को भरना चाहिए, जिससे दोस्तों हमारी जो कॉन्क्रीट क्यूब है अच्छे से और स्टैंडर्ड तरीके से भरा जाता है। हाउ मच लेयर डू यू नीड टू फिल द स्लम फॉर स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट जो होता है, ठीक है, हमारा जो स्लम होता है स्लम कोन उसको कितने लेयर में फिल करना होता है, तो उसको 4 लेयर में हमें फिल करना होता है, राइट, तभी वो हमें अच्छा रिजल्ट और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूज़ ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट की एक्सपायरी डेट कितनी है, मतलब 3 महीने बाद जनरली सीमेंट जो है एक्सपायर होने लगता है, तो मिनिमम 3 महीने के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद 3 महीने के अंदर सीमेंट हमें यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे तो यूटीएम मशीन किसके लिए होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट टेस्ट करने के लिए होता है, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट, तो नॉर्मल वेदर के अंदर 7 दिन जनरली मिनिमम होता है, प्रैक्टिकली बात करें तो हॉट वेदर के अंदर 10 दिन में आप जो है उसके फॉर्मवर्क निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट, राइट, टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट को डिफ्लेक्शन कहा जाता है सिविल इंजीनियरिंग में, इंटरव्यू में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट इज डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन इज द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिफ्लेक्शन क्या होता है, टेम्पररी होता है, वो अपनी रिगेन कर लेता है अपनी पोजिशन अपनी शेप को, पर डिफॉर्मेशन में वो परमानेंट हो जाता है, जैसे कि स्टील को आप बेंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएगा, वापस फिर से नहीं आएगा। उसकी इस केस में अगर हम बात करें तो रबर लीजिए, रबर को आप खींचेंगे तो क्या होगा, उसकी शेप में चेंज होगा, बट आप उसको रिलीज करेंगे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आपको देना है तो आप रबर को दे सकते हैं और इसके एग्जाम्पल में आप स्टील को दे सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट में रूट मतलब अंडर रूट एफ सी के होता है 0.7 अंडर रूट
एफसीके जो है ये फॉर्मूला जनरली यूज होता है। विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, मतलब कौन से ग्रेड को कॉन्क्रीट ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट होता है। M10 से M20 तक के जो कॉन्क्रीट है वो ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट में आते हैं, ठीक है। विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट, तो स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट कौन से है, M25 से लेके M35 तक जो है वो स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट आते हैं। विच ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट कौन से है, तो M60 M80 तक जो है वो हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट हमारे कहा जाता है उनको। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड मिक्स कॉन्क्रीट इन मिक्सर मशीन, मिक्सर मशीन में कॉन्क्रीट को कितने मिनट तक हमें जो है कितना टाइम में हमें मिक्स करना है, तो 2 से 3 मिनट मिनिमम हमें जो है जो हमें कॉन्क्रीट है सीमेंट एंड एग्रीगेट जो है उनको हमें मिक्सर मशीन में मिक्स करना है, जिससे दोस्तों वो जो है मिक्सिंग अच्छे से होता है। विच डायमीटर ऑफ बार शुड बी यूज फॉर चेयर, चेयर जो होती है दोस्तों कई बार रेनफोर्समेंट जो है बहुत मतलब गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो है एक चेयर प्रोवाइड की जाती है, तो ये चेयर का मिनिमम डायमीटर जो है 12 mm है, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो आप जो है चैनल पे पेज पे जाके देख सकते हैं। व्हाट इज द मिनिमम कवर फॉर फुटिंग कॉलम स्लैब एंड बीम, स्लैब एंड बीम के लिए कितना, मतलब देखिए फुटिंग में मिनिमम 50 mm का कवर होना चाहिए, कॉलम में 40 mm, स्लैब में 20 mm और बीम में 25 mm का मिनिमम कवर होना चाहिए। तो ये जरूर याद रखना कि मिनिमम कवर अलग अलग सेक्शन के लिए कौन कौन से रहते हैं। उसके बाद नंबर 23, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट यूज्ड सीमेंट कॉन्क्रीट, ज़्यादातर सीमेंट जो है M10, M15, M20 उनके लिए रेशियो क्या है, तो M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4, M20 के लिए 1:1.5:3 और M25 के लिए 1:1:2, ठीक है। इसमें जो 1 होता है वो सीमेंट होता है, 1.5 जो है वो सैंड होती है, और जो 3 होता है वो एग्रीगेट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इसमें लेंदर सीमेंट सैंड एग्रीगेट के तरह होता है। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब, स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 125 या फिर कई जगह पे दोस्तों प्रैक्टिकली बात करें तो 4.5 इंच का जो स्लैब है जो ज़्यादातर यूज होता है। हाउ मच वाटर अब्सॉर्प्शन अलाउड, ब्रिक के अंदर कितना वाटर अब्सॉर्प्शन अलाउड है, वो तो 20% अलाउड है। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ डोवेल बार, डोवेल बार मतलब जो कॉलम के अंदर यूज होता है वो हमें 12 mm का मिनिमम यूज करना है। व्हाट इज द मिनिमम अलाउड पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, कंक्रीट के अंदर कौन सी पीएच वैल्यू का वाटर हम अलाउ कर सकते हैं, तो 6 है तो वो हम अलाउड कर सकते हैं, स्टैंडर्ड हमारी जो है वो 7 होती है। व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर कंप्रेशन जोन, अगर कंप्रेशन जोन में अगर आप लैपिंग कर रहे हैं तो लैप लेंथ कितनी होनी चाहिए, 24 × d, डी क्या है हमारा डायमीटर, ठीक है। अगर हमारा जो डायमीटर डी इज इक्वल टू 10 है तो हमें लैपिंग कितना पड़ेगा, 24 × 10 मतलब 240 mm का हमें लैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर M20 ग्रेड, M20 ग्रेड में कंक्रीट के लिए अगर कॉलम में अपन लैपिंग करेंगे तो 45 d, बीम में अगर लैपिंग करें तो 60 d, और स्लैब में अगर लैपिंग करेंगे तो भी 60 d का हमें लैपिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज द लैप लेंथ ऑफ बार फॉर टेंशन जोन, टेंशन जोन में 50 से 60 d तक का आपको लैपिंग करना रहता है जनरली, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड व्हाई इट इज कॉज, सेग्रीगेशन क्या है, तो सेग्रीगेशन इज द सेपरेशन ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट इन कॉन्क्रीट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन ऑफ कॉन्क्रीट और सेग्रीगेशन ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। जब दोस्तों आप कॉन्क्रीट को डालते हैं तो सीमेंट एंड एग्रीगेट तीनों के तीनों अलग अगर हो जाए तो उससे सेग्रीगेशन है, ये एक डिफेक्ट है कॉन्क्रीट के अंदर। इट इज कॉज्ड टू इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो अगर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कॉज होती है। और अगर हम कंक्रीट को बहुत हाइट पर से मतलब 1.5 मीटर की भी ऊपर से मतलब ज़्यादा 2 मीटर की हाइट पर से फेंकेंगे तो सेग्रीगेशन हो सकता है। उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज द स्टोरेज प्रोसेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट को स्टोर कैसे करना है, सीमेंट को ड्राई प्लेस में हमें स्टोर करना है, सीमेंट बैग के जो वॉल है उनके बीच में 300 mm का जो गैप मिनिमम हमें रखना है, ठीक है। उसके बाद नेवर प्लेस सीमेंट बैग डायरेक्टली ऑन द फ्लोर, ऑलवेज प्रोवाइड 200 mm हाइट फ्रॉम फ्लोर, डायरेक्टली हमें फ्लोर पर स्टोर नहीं करना है क्योंकि मॉइस्चर फ्लोर में भी होता है, तो 200 mm का मिनिमम गैप रखना है फ्लोर से। नेवर पुट मोर देन 10 नंबर्स ऑफ बैग इन स्टैक, मतलब एक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 10 बैग आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा बैग नहीं रखनी है। कीप इन माइंड दैट नेवर मेक सीमेंट स्टोरेज नियर केमिकल अफेक्टेड फ्लोर और एरिया और मॉइस्चर अफेक्टेड एरिया, ठीक है। केमिकल अफेक्टेड कोई फ्लोर हो या एरिया हो या फिर मॉइस्चर इफेक्टिव एरिया हो वहाँ पे हमें सीमेंट स्टोर नहीं करना है, कि सीमेंट जो है जल्दी मॉइस्चर कैचअप कर लेता है, वो अपनी जो जो है हार्डनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। उसके बाद कैलकुलेशन नंबर्स ऑफ स्टीयर एंड बीम, बीम का इक्वेशन क्या है, तो बीम का इक्वेशन है क्लियर स्पान डिवाइड बाय सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1, ये इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर स्पान प्लस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। तो इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ, ये डिवीजन में है,
ये डिवीजन में, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। तो व्हाट इज दी टीएमटी, टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, ये याद रखना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और व्हाट इज द टीएमएक्स, टीएमएक्स का फुल फॉर्म होता है थर्मेक्स या फिर थर्मेक्स पावरेड बार, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचडी, एचडी मतलब सुपर डक्टाइल बार, एचडी का फुल फॉर्म होता है सुपर डक्टाइल बार। उसके बाद व्हाट इज एच वाई एच डी बार, एच वाई एच डी का फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ठीक है, एच वाई एच डी बार भी कहा जाता है इसको। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी टी, सी टी डी, सी टी डी का फुल फॉर्म होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, ठीक है, सी टी डी का फुल फॉर्म होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। व्हाट इज द एंगल ऑफ स्टेयरकेस फ्लैट, स्टेयरकेस का एंगल कितना होना चाहिए, 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में जनरली स्टेयरकेस का एंगल होना चाहिए। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ राइजर फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कितनी चाहिए, मिनिमम राइजर की हाइट 150 mm, मैक्सिमम उसकी 200 mm तक होनी चाहिए, मतलब 150 टू 200 mm के बीच में जो हमारे रेसिडेंशियल स्टेयर जो होता है, राइजर और थ्रेड आपको पता ही होगा, जब ये अगर ये सपोज स्टेयर है तो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या रहता है, राइजर, ठीक है, और ये जो पोर्शन होता है ये लंबाई वाला, ये हमारा ट्रेड होता है, ठीक है, ये हमारा ट्रेड होता है। तो उसी तरह से बात करें तो व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम विथ ऑफ ट्रेड फॉर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो 250 mm से 300 mm तक का ट्रेड हमारा होना चाहिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम हुक लेंथ ऑफ बार, हुक लेंथ, राइट, तो हुक लेंथ की बात करें तो जनरली तो हुक जो है, मैं आपको बता देता हूँ हुक क्या होता है, कि कोई भी स्टील जो है आप इस तरह से बैंग करते हैं तो ये जो पोर्शन होता है वो उसे हुक कहा जाता है। तो हुक डेप दोस्तों मिनिमम कितना होता है, 90 और 75 mm, दोनों में से जो मिनिमम हो वो हमें हुक लेंथ कंसीडर करनी होती है, ठीक है। हाउ मच ब्रिक नीड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ 230 mm थिक वॉल, 230 मतलब 9 इंच की वॉल में कितनी ब्रिक्स जाती है, तो जनरली हम लोग उसको 500 कंसिडर करते हैं, तो आप दोनों में से जो भी आंसर देंगे वो करेक्ट होगा, जनरली 500 होता है। और सिंगल ब्रिक में जो है वो 56 नंबर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दोस्तों वो कंज्यूम होती है। उसके बाद व्हाट इज ब्लीडिंग इन कंक्रीट, ब्लीडिंग क्या है, व्हेन द वाटर कम आउट फ्रॉम द जस्ट मेड कंक्रीट और फ्रेश कंक्रीट देन द कॉल ऑफ ब्लीडिंग, मतलब जब कंक्रीट में से ज़्यादा पानी निकलने लगे, राइट, मतलब जो कंक्रीट है उसमें एग्रीगेट सैंड वो सब नीचे बैठे और ऊपर पानी दिखने लगे, तो उसे जो डिफेक्ट आती है उसको हम ब्लीडिंग कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, जो उसकी का जो ऊपर से कितने ज़्यादा हाइट पर से हम फेंक सकते हैं, तो 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट पर से हम नहीं फेंक सकते, 1.5 मीटर तक अगर आप कंक्रीट को डंप करते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर 1.5 मीटर से ज़्यादा में उसमें सेग्रीगेशन या फिर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद व्हाट इज द एंगल ऑफ हुक इन स्टीरअप, स्टीरअप्स के अंदर एंगल का हुक कितना, मतलब देखिए स्टीरअप जो होते हैं इस तरह से होते हैं, और जो ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना होता है 135, ठीक है, जो स्टीरअप्स को बैंड किया जाता है 135 एंगल पे बैंड किया जाता है। हाउ मच बार शुड बी लैपन इन द बेंडिंग जोन, बेंडिंग जोन के अंदर 50% से ज़्यादा हमें बार बैंड नहीं करने हैं, ठीक है, ये IS कोड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, 0.035 और 1.23 क्यूबिक फीट, रिपीट हो गया है। कैलकुलेशन ऑफ वेट ऑफ स्टील बार, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डी स्क्वायर अपॉन 162 या फिर 64 इंटू लेंथ, ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके, या फिर आप यूनिट वेट, ये जो है ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है यूनिट वेट फाइंड आउट करने के लिए, तो यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो है डायमीटर ऑफ बार 10 है तो 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 162 मतलब 0.62 के करीब आता है, मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर का सलिया है तो अगर तो उसका वेट कितना आ जाएगा 6.20 kg, राइट, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और ये जो आंसर शीट है इसकी मैं PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है।